अखिल ब्रह्मानि नायक करुणा मिनाले आनंद कंठ सचिदानंद स्वरूप रागेन्द्र सरकार अम्बा परम्बा जगत मैया जानकी आंजनेय हनुमंत लाल जी के युगा सदन में प्रणाम करते हुए यहाँ आए समस्त कथा रसिक कथा अनुरागी माता अनुसुईया माता सीता माता कौशल्या के चैतन्य पर चलकर अनुगामनी बनने वाली मेरी प्यारी माताएं बहने एवं यहाँ आए बाबा गोसाई तुलसीदास जैसे समस्त संत रसिक और जितने भी अतिथि समाज यहाँ विराजमान और हमारे भावी भारत जो कर्णधार हैं छोटे छोटे बाल गोपाल और जितना भी दूर तक ये साउंड के माध्यम से आवाज जाते आप जम्मू के हृदय में बसे हो परमपिता परमात्मा यहाँ विद्यमान 33 कोटि देवी देवता आप जम्मू के पद पंकजमा ये हमारे मानस परिवार की ओर से प्रणाम स्वीकार करो प्रणाम स्वीकार करो प्रणाम स्वीकार करो और धन्यवाद समस्त आयोजक परिवार समस्त ग्रामवासी जुड़ल कला के समस्त संत समाज ल जिन आज अथा प्रयास करके आज हम सब ले मानस गोष्ठी के रूप में आज राम कथा में जुड़े के प्रयास करी और सबसे बड़े आज कली काल में वही है संत समाज जी हम लोग राम कथा से जोड़ते जिन हम लोग भक्ति से जोड़ते जिन हम लोग धर्म से जोड़ते और जिन आज हमारे आवाज ला है ना आप तक के पहुंचाए के जो प्रयास कर रहे हमारे ये साउंड वाले भैया जी ये मल हृदय से धन्यवाद सदैव ऐसे राम कथा में आप अपन समय अवसर प्रदान करते रहो राम कृपा सदैव बने तो आओ पितृ पर्व के पावन अवसर है ना ये 15 दिन हम अपन पितृ मन के लिए ये पर्व रक्त श्राद्ध के रूप में और आज वही पर्व में मोला पितृ पाक के है ना पावन पर्व में बड़े सुंदर से प्रसंग है रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग है वो है कौन एक रामचरितमानस के एक अदिति पात्र है केवट जी महाराज है ना जेकर से भेंट परमपिता परमात्मा रघुनंदन जी के हो है और आप सबके ध्यान चाहूं मैं कि आज वही पावन पर्व मूल केवट जी महाराज और वो रघुनंदन जगत पिता जगत परमात्मा कि दोनों को भेंट हो है कहां कमसा माता गंगा के किनारे अब वही पावन प्रसंग की ओर आप सब ले चलूं वैसे मोर में कथा कहे के कोई विद्वता तो नहीं है लेकिन जय गुरु के आशीर्वचन सब हमर संत समाज यहाँ विराजमान है आप सबकी मुखारविंद से जो सुने हो वही ले रखे के प्रयास करूं तो बड़े सुंदर भाव बैठे बाबा गोसाई दास जी अपन सोर उठा में लिखते का सुनी के वट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बिहन से करुणा नैन चिते जान की लखन तन ये सोरठा है और सोरठा में का लिखी का भाव दिस बाबा गोसाई तुलसीदास जी ओ समय की चित्र यहाँ प्रवेश करते कौन समय की जब तीनों लोक के तारनहार तीनों लोक के जगत पिता जो है आज माता गंगा पार होए के लिए किनारे में खड़े है दीदी हो जो जगत के पिता जी सबला पार भगाने वाला आज वो केवट ला कहा थे है ना कहते कि केवट महाराज हमला ये गंगा से पार जाना है कबर गंगा ले पार नहकाने वाले तोरे कर साधन है और तोर साधन से ही गंगा से हम पार जा सकथन तो वही समय बड़ा सुंदर भाव दिखे बाबा गोसाई नदी दाजी कथे का मांगी नाओ न केवट आना अब कहा हो तुम्हार हमर मैं जाना जैसे परमपिता परमात्मा राम जी कथे की केवट ए नाओ न ला देते जी कहा थे है ना मांगी नाओ न केवट आना तो केवट का कथे कथे की प्रभु मैं नाओ ला नहीं नाओ कथे और काबर नहीं नाओ कथे एकर ले पहली बड़ा सुंदर आप भावपूर्ण कथा सुनत रहे हो काकर हमार आदिन्य चाचा जी के और ये प्रसंग जो होकर से जुड़े हुए होकर से लगने का बल गंगा के पास लाके परमात्मा ला छोड़े दी चाचा जी कथे की प्रभु मैं आपके काला जाना तो मरम ले जाना थो कि है और काकर मरम ले जाना कोई छोटे मोटे बात दीदी हो कैसे
काकरो मरम लग कोई कह दी मैं तोर मरम ल जाना तुझे ते कर ले जाए से कही त ए मरम जाना कोई छोटे मोटे बात न है त केवट कौन से मरम ल कहा थे अब ये जगह कौन है ना आप सब लोग ज्ञात है 14 वर्ष के वनवास तो केवल माता के प्रभु रामचंद्र जी के लिए मांगे रहे लेकिन साथ कौन कौन आए अभी गंगा के पास कैसे दीदी हो भगवान राम जी के साथ कौन कौन आए माता सीता और लक्ष्मण जी महाराज दोनों खड़े हवे लक्ष्मण जी कथे भैया ये जेन लते कथस न तोर बात आज तक के कौन हो निमाने है कि एला कहा था सी नाव ललाना जी कहा था ते कहा था मैं तोर मरम ले जाना थू कहा था है ना ये का मरम ले जाना थे तोर और लक्ष्मण कथे तोर बात ल कौन हो निमाने भैया के प्रभु राम जी कथे कौन हो निमाने जी मोर बात ला कथे एकर ले पहली अभी सुमत जी महाराज गी से जाके से ले देख वो गे है प्रभु राम ने कथे लक्ष्मण शायद तो लो समय की बात याद नहीं है कब के जब मैं 14 वर्ष के वनवास के लिए जब माता मोला है ना ये वरदान मोर पिताजी से मांगी तो केवल मोर ले वो ये वरदान मांगे रही से 14 वर्ष के मोर लिए मांगे रही से लेकिन उही समय में कहो सीता जी लभी कहो आप लभी कहो लक्ष्मण कि मोर साथ ते मत जा लेकिन मोर बात ना माने इसका है ना अब कोई ग्राहक की बहनी कोई बिहनिया बिहनिया बिगड़ गए तो वो कर दिन भर खराब रहते जैसे ते हम और बात ना नहीं माने ना कि मैं तोर साथ जाऊं ऐसे कहीं मोर साथ में आ गए सीता जी आ गए ठीक उसी प्रकार प्रेम से वशीभूत होके केवट कहा थे कि प्रभु मैं नहीं लावा मोर डोंगा ला मोर डोंगा टूटा हा फूटा मैं तोर मरम ला जाना था कि मांगी नावना के बटाना कहा हूँ तुम्हार मरम में जाना नहीं लावा प्रभु की कथे काय कस जीत का मरम ले जाना थस भाई अभी पहले पहले तोर से भेंट हो थे केवट कथे में जाना था प्रभु का कि चरण कमल रज कहो सब कही और माधु से करनी मोरी कछु रहे जिन करण चरण के रज से अभी अभी सुने हो कि जिन चरण के रज से एक पत्थर जो है एक पसान हम प्राण आगे वो नारी बन गए है ना एक पसान है वो नारी बन गई पत्थर में चेतना आगे पत्थर में प्राण आगे केवल आपके चरण के रज से तो हे प्रभु मोर ये टूटा फूटा ये नाव ये अब ये नाव में अगर आपके चरण रज कहीं पड़ जाए प्रभु तो ये टूटा फूटा जो नाव ये है का पता कि नारी बन जाए एक तो मैं गरीब है ना डोंगहार ले दे के मोर परिवार ला चला थो और कोई एक जन पत्नी मोर परिवार है मोर पत्नी है अब ये कोई पत्नी बन जही तेकर भरण पोषण में कहां ले करू अब ही मोर जीव का है तो हे प्रभु मैं हां डोंगा ला इसने नहीं लाऊं की त कैसे लाबे किस की प्रभु एकर लिए आपले चरण धुआए ला लगे हां ताकि चरण लगर धो लो जे रज आपके चरण में पड़े है ना वो चरण रज अगर धोल हो ना तो मोरे नौका हा बस यही मोर जीव का के साधन है देखो कितना सुंदर भाव आज केवट दे थे तो यही लगी से कर का दे थे कि सुनी केवट के बेन बेन अर्थात ओकर वार्तालाप ला ओकर वचन ला और केवट ये काबर भाव रखी काबर केवट जी महाराज जाना थे कि प्रभु जब से अयोध्या से निकले है ना तब से कर मन में काहे विरह है दोनों आंख से अश्रु आंख में भरे हुए सुमंत जी महाराज ने जब छोड़े प्रभु रामचंद्र जी और जब गंगा के किनारे जब आए ना तो केवट जी महाराज कथे कि प्रभु के हृदय जो है वो विरह से कबर अपन राजपाट सब ने छोड़ के आए और भगवान यहाँ लीला करे बरा है तो अगर आंख में कहीं ना कहीं वेदना है रुदन है तो एला दूर करे के लिए केवट जो है भाव पूर्ण हो के यही कि इसकी सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे करुणा विहार प्रेम से भरी बात
और प्रेम में कह रहे थे प्रेम के शब्द अटपटा दे रहे थे एक स्थिति की इसकी कहूँ तुम्हार मरम नहीं जाना प्रभु अगर आप ला पार जाना है ना तो आप ला चरण धोआ ला पड़ी ये क्षण भी स्तुति करिस कौन केवट जी महाराज और चरण पर कौन कौन ले मिले है यहाँ देखो केवट कौन है हाँ जेकर कर न तो धन है न जेकर कर ज्ञान है न जेकर कर कोई बड़े परिवार है फिर भी आज वो केवट जी महाराज ले भगवान के चरण रज की प्राप्ति हो बर जाती महाराज काबर भगवान तो निर्मल मन लव हाथे ना निर्मल मन जन सो मोहे पावा मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा काबर केवट में केवल दर्शन रे के भाव रिस प्रदर्शन नहीं रिस महाराज लेकिन आज हमन का करथन प्रदर्शन के भाव रखन दर्शन अंतरात्मा से बहुत कम रहते जेकर कारण भगवान की हमला दर्शन नहीं हो पाए और भगवान जेकर जीवन में दर्शन है वही लो प्राप्त होते प्रदर्शन और भगवान के जीवन में प्राप्त ओला मिलने वाला नहीं है साक्षात हनुमंत लाल जी महाराज ने भगवान दर्शन जब विप्र रूप धर के इसना किष्किंधा कांड के प्रसंग में तो ओला स्वीकार नहीं करी काबर अपन वेश ले बदल जिसते कर कारण भगवान तो ये कहते कि जैसे है तैसे मुड़ कर आ जा मोर ले दिखावा मत कर वे तो सबला जाना तो कन कन में भगवान है भगवान कन कन में नहीं बिन पग चले सुनाई बिन काना बिन कर्म करे करे विधि नाना जो आनंद सकर रस भोग भी बिन वक्ता वक्ता बड़े जोगी भगवान कहाँ नहीं है अरे भगवान के समक्ष केवट बड़ा सुंदर छन ले रखी इसका पद कमल धोई चढ़ाओ नाओ ननाथ उत राई चहो देखी हे प्रभु जब तक कि आपके चरण में नहीं धोल हूँ ना तब तक कि आप ला पार नहीं जाने दे अब एक और बात कहा था एक और वचन दे थो का आपके चरण ल धो तो मैं कोई उतराई नहीं ले काबर केवट तो प्रेम के भूखे है ना यही कारण की इसका किसी को धन का गुमान है किसी को धन का गुमान है किसी को ज्ञान का गुमान है किसी को पुत्र परिवार का घमंड है तो किसी को अपने पद का अहंकार है पर हे मेरे परवरदिगार मुझे मेरे रघुनंदन मुझे तो तेरी करामत का आभार है मुझे तो तेरी करामत का आभार है यही भाव केवट आज भगवान की चरण कमल लधोए बर भगवान लगाते भगवान यही समय कहे कि विहंसे करुणा नयन चिताय जानकी लखा नतन भगवान मुस्कुराते हैं काबर आजू बाजू माता जानकी खड़े हैं लक्ष्मण जी महाराज खड़े हैं देख के केवट जी महाराज मुस्कुराते हैं केवट जी महाराज मुस्कुराए डर भगवान राम जी मुस्कुराते हैं विहंसे करुणा नयन और एकर हंसी के पीछे का है ना कथा बड़ा सुंदर भाव आते कर से पहले एक प्यार भजन की ओर आप सब जोड़े के प्रयास करबो फिर आगे कथा में चलबो बोल ले सिया बिर रामचंद्र की।